क्या बाबा साहब अंबेडकर हिंदू धर्म के लिए बहुत खराब राय रखते थे? आजकल अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने वालों की बातें सुने तो कुछ ऐसा ही लगेगा, लेकिन सत्य इससे बिल्कुल उलट है। हम आपको कुछ ऐसे तथ्य बताते हैं जिनके बाद अंबेडकर के बारे में आपकी राय बदल जाएगी। क्या आप जानते हैं कि अंबेडकर ने उपनिषदों को लोकतंत्र का आधार माना है? डॉक्टर अंबेडकर ने उपनिषदों का व्यापक अध्ययन किया था। उन्होंने उपनिषद के चार महावाक्यों को लोकतंत्र का आध्यात्मिक आधार बताया है। जात पात तोड़क मंडल में अपने मशहूर भाषण में अंबेडकर ने कहा था कि स्वतंत्रता और बराबरी के लिए कहीं बाहर से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ उपनिषदों में ही मिल जाएगा। अपनी पुस्तक रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में उन्होंने इस विचार पर विस्तार से बात की है। क्या आप जानते हैं कि हिंदू सिविल कोड चाहते थे अंबेडकर? अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने वाले आज समान नागरिक कानून के सबसे बड़े विरोधी हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि अंबेडकर शुरू से ही एक देश एक कानून के सबसे बड़े हिमायती थे। उन्होंने तो हिंदू सिविल कोड की वकालत की थी। 11 जनवरी 1950 को अपने भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हिंदू नागरिक बिल एक प्रगतिशील व्यवस्था है। यह बिल पूरी तरह हिंदू धार्मिक ग्रंथों पर आधारित था। क्या आप जानते हैं कि अंबेडकर चाहते थे कि संस्कृत राष्ट्रभाषा बने? 11 सितंबर 1949 को संडे हिंदुस्तान स्टैंडर्ड के अंक में तब के कानून मंत्री बाबा साहब अंबेडकर की राय छपी है, जिसमें उन्होंने संस्कृत को भारतीय संघ की भाषा बनाने की वकालत की थी। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की बैठक में भी उन्होंने खुलकर अपनी राय जताई थी। उनका कहना था कि केवल संस्कृत भाषा ही इस पूरे राष्ट्र का सही प्रतिनिधित्व करती है। क्या आप जानते हैं कि अंबेडकर सिंधु जल समझौते के विरोध में थे? डॉक्टर अंबेडकर ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि सिंधु के जल पर पहला अधिकार भारतीयों का है। ब्रिटिश अर्थशास्त्री हेनरी विंसेंट हडसन ने अपनी किताब द ग्रेट डिवाइड 1969 में लिखा है, अंबेडकर इस समझौते में सबसे बड़ी रुकावट थे। वर्ष 1956 में अंबेडकर के निधन के बाद नेहरू को छूट मिल गई और 1960 में उन्होंने इस अन्यायपूर्ण संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। क्या आप जानते हैं कि अंबेडकर ईसाई मिशनरियों के विरोधी थे? बाबा साहब अंबेडकर वो पहले नेता थे जिन्होंने अनुसूचित जातियों के लोगों को ईसाई मिशनरियों के खतरे से आगाह किया था। प्रोफेसर लक्ष्मी नरासू की किताब द एसेंशियल्स ऑफ बुद्धिज्म में उन्होंने लिखा है कि सामाजिक सुधार को ईसाई मिशनरीज का समर्थन सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो अपने पंथ को फैलाना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के कामों के संकलन के वॉल्यूम 17 में दलितों के एक और बड़े नेता बाबू जगजीवन राम के साथ उनके पत्र व्यवहार में यह बात दर्ज है कि वह ईसाई मिशनरियों को पसंद नहीं करते थे। अंबेडकर की पसंद और नापसंद बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। वो हर मामले में राष्ट्रवादी थे। वो आर्यों के आक्रमण जैसी मनगढ़ंत बातों का खुलकर खंडन करते थे। वो चाहते थे कि बंटवारे के बाद भारत के सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाए। यही कारण है कि कांग्रेसियों और वामपंथियों ने अंबेडकर को कभी पसंद नहीं किया। उस दौर के सामंती और अभिजात्यवादी कांग्रेसी और वामपंथी नेताओं को अंबेडकर के विचार कभी पसंद नहीं आए। उनके साथ टकराव का परिणाम हुआ कि बाबा साहब अंबेडकर के मन में हिंदू धर्म के लिए कड़वाहट पैदा हो गई। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अंबेडकर हिंदू धर्म के विरोधी थे।